हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। हमारी जो 52 डेज रोड ट्रिप की सीरीज चल रही है, उसके एक और नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रात को पहुंचे थे लेट रामेश्वरम में, और एक जगह बात करने के बाद हमने उनकी पार्किंग में लगा दी, गेस्ट हाउस की पार्किंग में गाड़ी, और सुबह उठ के अब बन रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज बना रही है मैडम पोहा, जिसमें कि बीन्स डलेंगी, प्याज डलेगा, टमाटर डलेगा, और टेस्टी सा पोहा होगा, रेडी, हल्का भी और बढ़िया भी। चल रही है तैयारी, उसके बाद चलेंगे हम रामेश्वरम दर्शन के लिए। हो गई चॉपिंग वॉपिंग? हाँ, बस 2 मिनट का काम है, पोहा तो बनता भी फिर जल्दी है। मैं करूँ गैस ऑन? गैस ऑन करो ना, ताकि ये इसी में बना लेते हैं। हाँ, फ्राई पैन में पोहे में मिट्टी होती है थोड़ी, अगर वॉश नहीं करो तो अच्छे से, तो थोड़ा वैसा होता है। नहीं, वैसे भी धोना पड़ता है इसको। देसी घी में बनाएंगे, तेल में थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है ना। और डालूं क्या? नहीं नहीं, बस घी पिघलेगा ना वो, अभी अब तो जमा हुआ है, पिघलेगा थोड़ा सा। घी हो गया गरम, इसमें डाल देते हैं प्याज, बीन्स भी साथ डालूं क्या? साथ में डाल दो ना बीन्स भी, हाँ तभी हो जाएंगे। सॉटे हो गई हैं ये वेजिटेबल, प्याज भी थोड़ा ब्राउन हो गया, इसमें डाल देते हैं टमाटर, साथ ही डालते हैं मसाले। नमक हमारा खत्म हो गया, जितना था सारा डाल देते हैं, जितना भी आएगा टेस्ट आज खरीदेंगे मार्केट से, कल देर होने की वजह से ना खरीद नहीं पाए हम। इसमें सिर्फ डलती है मिर्च और नमक। हाँ, वेजिटेबल्स का और पोहे का अपना टेस्ट रहता है, ज़्यादा मसाले डालने से अपना टेस्ट चला जाता है उसका, सिर्फ मसालों का टेस्ट आता है। ग्रीन चिली भी ले आओ। डाल दी इसमें? डाल दिए, शेफ भी बीच बीच में चेंज हो जाते हैं, तड़का मैंने लगाया था, अब फाइनल टच हो रहा है इधर मैडम का, तो दूसरा काम साथ साथ करना पड़ता है ना। वो खजूर का पेड़, खजूर कह देता हूँ मैं, नारियल का, नारियल का होता है, वही मैं कह रही हूँ, पेड़ तो नारियल के, खजूर का। बाहर रोड साइड जो है ना, थोड़ा धूल मिट्टी उड़ रही थी आज, तो ये एक गेस्ट हाउस है, इसकी प्रेमिसेस में हमारे कुकिंग भी हो गई और कैंपिंग भी हो गई, रात को नींद भी बढ़िया आ गई थी यहाँ पे। अपना फैन चलाया था हमने, छोटा फैन, मच्छर तो था, फैन मच्छर था, लेकिन वो ब्लैक वाली जाली लगाने के बाद फिर बंद हो गया था मच्छर आना। जब तक पोहा रेडी होने वाला है तो मैं इसमें पानी रख देता हूँ चाय के लिए। गर्मा गर्म पोहा हो चुका है रेडी, और अब चाय बन रही है, उसके बाद करते हैं अपना नाश्ता। थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही रखियो। चाय रेडी और ब्रेकफास्ट भी रेडी, फिनिश करते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए चाय पीजिए। ये ओनर थे यहाँ के, इनसे बहुत अच्छे हैं, इनसे बात करी हमने तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारे प्रेमिसेस में लगा लीजिए गाड़ी आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्लेट लग गई, आ जाओ बैठो भाई, हम तो करें शुरू, भूख लग रही है तगड़ी वाली। नमक हो गया पूरा? हाँ। मुझे लग रहा था लास्ट बचा हुआ, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा टेस्टी बना यार। अच्छा, सॉस और डालनी है? थोड़ी सी सॉस और डालेगी, गरम है अभी चाय। बस आई हुई है पूरी, ये लोग अंदर है रूम में, अभी तक निकले नहीं है, नहीं, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। वो लोग चले गए मंदिर। चले गए वो? हाँ। मूंगफली नहीं थी हमारे पास, मूंगफली भी डलती है इसमें, पर बीन्स का भी अच्छा क्रंची टेस्ट आ रहा है, क्योंकि पहले इसको लगभग हाफ फ्राई कर लिया था हमने, क्रंची क्रंची हो गई। वेजिटेबल अभी यही थी, और होती तो और डाल लेते।
ब्रेकफास्ट हो गया और आज हमारे लगभग इस टूर के हो गए हैं 20 दिन और 5-6 दिनों में हमारा हाफ हो जाएगा टूर। हाफ टूर हो जाएगा। जाने में ज्यादा वो लगेगा ना क्योंकि हम उधर से गोवा वाली साइड से होके जाएंगे पूरा, और एक दो दिन हमने पीछे कट किए हैं तो एक दो दिन केरल साइड में बढ़ा लेंगे, वो तो करना जरूरी है कन्याकुमारी केरल में ना। क्योंकि जो मेन सिटीज थी ना उसमें रुकने का कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो हमने दो जगह एक एक दिन काट लिया। चेन्नई में एक नाइट स्टे करना था वो खत्म किया हमने। हाँ। और एक मदुरई में था मदुरई मीनाक्षी टेम्पल देख के हम सीधा आगे रामेश्वरम में, तो एक दिन वहाँ बच गया। दो दिन बच गए ना, दो दिन एक्सटेंड करेंगे केरल में। केरल में वहाँ रहने का कुछ अलग मजा क्रेज भी है ना। दोस्तों नाश्ता खत्म करने के बाद हम लोग सीधा गए थे रामेश्वरम मंदिर और वहां दर्शन करके हम आ गए थे और कैमरा यहीं रख गए थे क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। अब हम दोबारा से जा रहे हैं मंदिर कॉम्प्लेक्स में जहां तक हमें फोटोग्राफी करने को अलाउड होगी, वहां थोड़ी बहुत फोटो खींचेंगे, थोड़ी मार्केट का भी सीन दिखाएंगे। ये गली सीधा जाती है रामेश्वरम मंदिर, वो सामने दिख रहा है रामेश्वरम मंदिर। मंदिर के पास ही एक सुंदर सी एक मार्केट भी है, देखो बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास, हर चीज की डेकोरेशन का सामान ले सकते हैं। और लेडीज का ये माला वगैरह है, यहाँ शंख है, प्रसाद भी है इनकी शॉप पर, ग्लासेस, बहुत अच्छी कलेक्शन है। भैया देखो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू। मंदिर के आसपास जो मार्केट है उसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आपको लंच डिनर वगैरह सब कुछ यहाँ मंदिर के आसपास ही मिल जाएगा। ज़्यादातर आपको साउथ इंडियन डिशेज डोसा इडली सांभर वगैरह ही मिलेगा यहाँ। हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के मेन एंट्री गेट के पास और थोड़ा अंदर अहाते में जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ की वीडियोग्राफी भी करते हैं और थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताते हैं। यह मंदिर रामेश्वरम जिले में स्थित है जो कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में एक शंखनुमा टापू है जिस पर यह मंदिर बना हुआ है। इस स्थान पर राम जी ने लंका पर आक्रमण से पहले पूजा की थी ताकि लंकापति रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे और उसका निवारण हो जाए। उस समय पर रामेश्वरम में कोई भी मंदिर नहीं था तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि वह कैलाश पर्वत जाएं और वहां से शिवलिंग लेकर आएं ताकि विधिवत पूजा की जा सके। लेकिन हनुमान जी को आने में देरी हो गई तो फिर सीता माता ने अपनी मुट्ठी में रेत लेकर उसका शिवलिंग बनाया और राम जी ने उसी की पूजा की। बाद में हनुमान जी जो शिवलिंग लेकर आए उसे यहीं स्थापित कर दिया गया और इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम रामेश्वरम रखा गया। यह मंदिर हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और 4 धामों में से एक गिना जाता है। कहते हैं कि यहाँ स्थापित शिवलिंग पर अगर गंगा जल चढ़ाया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिलता है। इस मंदिर के निर्माण के लिए श्रीलंका से नाव द्वारा पत्थर लाए गए थे जिससे कि इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर अंदर से बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत है और कहते हैं कि इस मंदिर का जो गलियारा है विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। इस मंदिर में जितने भी कुंड हैं कहते हैं ये सारे कुंड राम जी ने अपने बाण द्वारा निर्मित किए थे। कहते हैं इन कुंडों के जल से अगर स्नान किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धावान भक्त यहाँ आते हैं वो इन कुंडों के जल से स्नान जरूर करते हैं। ये जो हम आपको खूबसूरत अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं ये गर्भगृह से पहले का दृश्य है। अब आप मंदिर के और ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लीजिए। हम लोग रामेश्वरम कॉरिडोर से बाहर आ गए हैं और अब पहले जाएंगे पार्किंग में, उसके बाद जाएंगे धनुषकोटी। और धनुषकोटी जो रोड जाती है वो समुद्र के बीचों बीच है, रोड के दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है वहाँ का। यहाँ रामेश्वरम में जो डेकोरेशन के पीसीज हैं मोस्टली सिप्पियों से बनाए गए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो सामने रामेश्वरम मंदिर है और पूरी स्ट्रीट क्रॉस करके जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो बिल्कुल सामने अथाह समुद्र है। अभी दिखाते हैं आपको, वो समुद्र है वहाँ, वो विशाल समुद्र, रामेश्वरम का समुद्र। इसमें भी ना ज्यादा लहरें नहीं मारते हैं समुद्र, यहाँ पे भी देखो नहा रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा लहरें नहीं है देखो, बिल्कुल वहां से शांत है, अंदर से लहर नहीं उठ रही कोई भी।
पार्किंग जाते हुए हमें एक ये पंजाबी ढाबा दिखाई दिया जहाँ तंदूर की रोटी अवेलेबल थी और ये लेडीज ही रन करती हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ लंच कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं धनुषकोटी। लंच करने के बाद हमारा सफ़र अब आगे बढ़ चला है धनुषकोटी की तरफ। रोड बहुत ही खूबसूरत है, आप भी एंजॉय कीजिए। आपको ये रोड के दोनों तरफ समुद्र थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, नीला नीला जो दिख रहा है ये समुद्र है दोनों तरफ रोड के। हम लोग पहुंच गए हैं धनुषकोटी और देखते हैं क्या है यहाँ पर। शॉप्स एज यूजुअल, हैंडीक्राफ्ट की और जो सिप्पी वगैरह होती है उनका वर्क। तो हम पहुंच गए हैं धनुषकोटी का वो पॉइंट जिसको देखने के लिए सब लोग आते हैं, जहाँ पर कि मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, एक चर्च हुआ करता था और बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक शहर था। 1964 तक यह एक बहुत ही समृद्ध नगर था, लेकिन 1964 में एक ऐसा डिजास्टर आया कि पूरा का पूरा शहर उसमें डूब गया और तबाह हो गया। कहते हैं समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि उस समय की सभी इमारतें वहाँ पर ध्वस्त हो गई थी। अभी भी उन इमारतों के अवशेष यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये शायद उस समय इस नगर का एंट्री गेट हुआ करता होगा या फिर किसी इमारत का एंट्री गेट होगा। यह जगह जो आपको दिखाई दे रही है यह किसी समय एक मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी। देश में कुछ गिने चुने मेडिकल कॉलेज होते थे, उनमें से यह एक बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज था। यहीं पर एक चर्च भी हुआ करता था और साथ में कुछ रिहायशी मकान भी थे जो 1964 के डिजास्टर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। पूरी किसी समय एक सिटी थी यहाँ, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज जो अभी इस हालत में है, धनुषकोटी। ये देखो इस साइड में भी स्ट्रक्चर्स है ना सारे, वो देखो ये पुराने स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो कुछ भयंकर तबाही हुई होगी जो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ समुद्र है, ये बीच में छोटा सा एक टापू है और दोनों तरफ समुद्र है। तो इस टापू पे जो सिटी बसी हुई थी वो पूरी तहस नहस हो गई किसी समय। 1964 तक थी ये सिटी यहाँ। इवन कि देखो उस टाइम पे भी इसमें मेडिकल कॉलेज था। वो नया लाइट हाउस है, पुराने अवशेष हैं सारे। धनुषकोटी मार्केट डालो ना, हैंडीक्राफ्ट भाई सब क्या हुआ क्या। ये रोड के दूसरी तरफ का व्यू है, यहाँ तो लगता है कुछ रेजिडेंशियल मकान रहे होंगे। अभी यहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर पुराने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये है राम सेतु जो राम जी ने और हनुमान जी की वानर सेना ने मिलकर बनाया था लंका तक पहुँचने के लिए। और अब हम निकल रहे हैं वापस अपनी कैंपिंग साइट की तरफ। और ये आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, हमें चार धामों में से एक धाम के दर्शन भी हुए, रामेश्वरम धाम के, और हमने यहाँ धनुषकोटी और राम सेतु के दर्शन किए। उम्मीद है हमने जो जानकारियाँ आपको दी और जो दृश्य दिखाए आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।